नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है सीरिया से। सीरिया की सरकार ने अपने ही लोगों पर किया है केमिकल अटैक। जी हाँ, कॉलरीना से किया गया ये अटैक बहुत भारी मात्रा में आम लोगों पर नुकसान का कारण बना। इससे 20 बच्चों समेत 100 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 400 से करीब व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया अपना रुख कड़ा और उन्होंने सीरिया की सरकार को जताया कि हम इस हमले की बहुत निंदा करते हैं। सीरिया की सरकार के साथ उन्होंने अपने सारे ही समझौते रद्द करते हुए 59 मिसाइलों से किया है सीरिया के हवाई अड्डों पर हमला। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सीरिया के लोगों के साथ हैं और हम कतई भी आम लोगों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके बाद दुनिया भर के लोगों ने ट्रंप के इस बयान की सराहना की। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीति को अपनाया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी बोला है कि जितने भी सीरिया के आम लोग हैं वो एज ए शरणार्थी आ सकते हैं अमेरिका। और ट्रंप ने मुसलमानों को बहुत ही बड़े दिल से अपना लिया है। और इसके बाद यहाँ एक बात यह भी स्पष्ट करने की है कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। सीरियाई आम लोग एज ए शरणार्थी अमेरिका में आ सकते हैं, उनको कोई भी प्रतिबंधी नहीं लगाई गई। इसके बाद पूरी दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप की इस बात का स्वागत किया। सो दोस्तों, सच्ची खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को हमेशा करें सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।